ये है प्रदेश की कानून व्यवस्था का हाल। देख लीजिए गहलोत साहब, कोई किसी को सरेआम गोली मार देता है। आप कहते हैं कि राजस्थान में अपराधों पर लगाम लगी है, लेकिन ये तस्वीरें तो किसी जंगल राज की तरफ इशारा कर रही है। ये वही भरतपुर है साहब, जहां आप पिछले 6 महीनों में 7 बार आ चुके हैं। ये वही भरतपुर है साहब, जहां 7 विधानसभा सीटों में से 4 मंत्री आते हैं, और यहां की कानून व्यवस्था का हाल अब आप खुद ही देख लीजिए। अब हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतनी बातें हमें सरकार से कहनी पड़ रही हैं। दरअसल भरतपुर में 32 साल की विधवा महिला की हत्या करने का मामला सामने आया है। जब महिला अपने बेटे के साथ स्कूटी पर जा रही थी, तभी पीछे से आए 2 बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर डाली। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। मृतका का पति CRPF में तैनात था, जिसकी 1.5 साल पहले मौत हो चुकी है। मामला नदबई थाना इलाके का है, जहां कासगंज कॉलोनी में रहने वाली 32 वर्षीय सुधा चौधरी भरतपुर से अपने घर नदबई के लिए बस से गई थी। उसका 17 साल का बेटा स्कूटी से उसे लेने आया था। जब वो अपने बेटे के साथ स्कूटी पर घर जा रही थी, तभी बदमाशों ने घटना को अंजाम दे दिया। फिलहाल मृतका के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस मामले को लेकर नदबई थाना प्रभारी श्रवण पाठक का कहना है कि सूचना मिली थी कि एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला के पति की नौकरी से मिलने वाले फंड को लेकर घरेलू विवाद था, जिसके चलते ये हत्या की गई है। इसके अलावा जानकारी में ये भी सामने आया है कि मृतका सुधा चौधरी के पति की मौत से पहले उसने दूसरी शादी कर ली थी। पति की मौत के बाद उसकी दूसरी पत्नी से मृतका सुधा का पति की सरकारी सर्विस के मुआवजे को लेकर झगड़ा चल रहा था। फिलहाल पुलिस को शक है कि दोनों पक्षों के बीच चल रहे मुआवजे के विवाद के चलते शायद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। कासगंज रोड पर सूचना मिली कि फायरिंग हो गई है, जिसमें पहुंचे तो गणेश हॉस्पिटल में सुधा का घायल अवस्था मिली, जहां से रेफर इसको यहां किया, यहां इसको सुधा को मृत घोषित कर दिया। सुधा में और उसके पति पुष्पेंद्र के परिवार में फंड को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर आपस में डिस्प्यूट चल रहा था पहले से, उसको लेकर के इसकी हत्या की गई। फिलहाल मौत का कारण जो भी हो, लेकिन सरेआम किसी को गोली मार देने पर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठेंगे ही। सवाल विपक्ष भी उठाएगा, सवाल राजस्थान की जनता भी उठाएगी कि आखिर कैसे जनता सुरक्षित रहेगी। बाकी आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए भरतपुर से सुरेश फौजदार की रिपोर्ट।